नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिना। विराट 24 की टीम की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्रीय जेल में बंद दर्जन भर से अधिक कैदियों के लिए गणतंत्र दिवस का पावन पर्व आजादी की पैगाम लेकर आया। उनकी केंद्रीय जेल से रिहाई की गई, इसे लेकर जेल प्रशासन ने सभी औपचारिकताएं पहले से ही पूरी कर ली थी। केंद्रीय जेल रीवा में हत्या के विभिन्न मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 15 कैदियों को रिहाई की गई। उक्त कैदी अपने हाथों हुए अपराधों की सजा काट रहे थे और 14 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद उनकी अच्छे चाल चलन के आधार पर जेल प्रशासन ने रिहाई का प्रस्ताव भेजा था, जिसे शासन ने स्वीकृत कर रिहाई की है। 26 जनवरी को उनकी जेल से रिहाई की गई। इसके लिए जेल प्रशासन ने परिवारों को सूचना दी थी, जिसके चलते परिजन केंद्रीय जेल रीवा पहुंचे थे। जिनके परिजन केंद्रीय जेल नहीं पहुंचे हैं, उनको जेल प्रशासन घर पहुंचाने की व्यवस्था किया है। जेल अधीक्षक SK उपाध्याय ने बताया कि कैदियों की रिहाई की सारी तैयारियां पहले पूरी कर ली गई थी और सभी को जेल से रिहा कर दिया गया है। रिहा होने वाले कैदियों में दिलीप सिंह निवासी सहडोल, आनंद बहादुर सिंह निवासी पाठा, सिंगरौली राम मिलन सिंह निवासी बस्तर जिला सिंगरौली, हनुमान गुप्ता निवासी गंगेव जिला रीवा, जगत सिंह निवासी ऊपरटोला देवरी जिला अनूपपुर, विनोद कुमार मिश्रा निवासी करौदा थाना लौर जिला रीवा, रामाधान उर्फ अधिकारी निवासी जमुई जिला सीधी, रामेश्वर सिंह उर्फ बाबा सिंह बघेल निवासी सरदाहा जिला सीधी, पोसाई चौधरी निवासी पयारी जिला अनूपपुर, श्याम सुंदर बैगा निवासी गोईद्वार जिला सीधी, हरिलाल साहू निवासी नौडिया जिला सहडोल, बुद्धसेन लोनिया निवासी गुजरेड जिला सीधी, देवराज पटेल निवासी बरसैता थाना गुड्डू उर्फ पिंटू साहू निवासी लांघा डारेल जिला सिंगरौली, भानु रामपाल यादव निवासी उमरिया शामिल हैं। डिसिप्लिन नहीं सीखा पाला। मैंने यहाँ हर चीज बढ़ाई, डेयरी जो भी कार हुआ सब चीज़ें सीखा उसे। आगे क्या करने का इरादा है आप? आगे कोई अब मजदूरी करूँगा, अभी फिलहाल के लिए कोई चीज़ व्यवस्था तो चाहिए सर। परिवार में कौन कौन है? परिवार में माँ बाप सब हैं, लेकिन घर भी हालांकि डूब में चला गया है, तो पहले से सबसे घर का व्यवस्था करना होगा, बाल बच्चे हैं उनको भी देखना होगा, इसके बाद कुछ आगे सोचा जाएगा सर। और मेडिकल लाइन में नौ वर्ष से करीब रहा, अच्छे से अनुशासन में जीने का एक शैली मिला अनुशासन में रहने के, और इसी तरह से माननीय आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से एक निवेदन है कि बहुत तो निर्दोष बंदी हैं बेचारे, तो पैरोल का लाभ दिया जाए, जो ऐसे कोई बंदी जो नहीं जा पाते हैं, ताकि परिवार से अपने वो जुड़ सकें। और 3 साल का संगीत का भी प्रशिक्षण किया, संगीत भी सीखे 3 वर्ष 9 वर्ष। क्या करने का सोचा है? अब आगे मान लीजिए कोई खेती किसानी या कुछ रोजगार जो मिल जाएगा तो ठीक है। जेल में जो सीखा है उसे आगे जीविका का साधन बनाएंगे आप? जी अब यहाँ मेडिकल लाइन में थे, लेकिन उसके लिए तो डिग्री चाहिए, मेडिकल के लिए तो डिग्री चाहिए, डिग्री अपने पास तो है नहीं। और क्या नाम है आपका? गुड्डू उर्फ पिंटू सनाब रंगलाल साहू। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज केंद्रीय जेल रीवा से 15 आजीवन कारावास के कैदी रिहा हो रहे हैं। ये सभी कैदी 302 के कैदी हैं। इन्होंने 14 साल सूखे, 6 साल माफ़ी, ऐसे कुल मिलाकर के 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज इस पावन पर्व पर शासन की जो नई पॉलिसी 22 सितंबर 2022 से बनी है, उसके तहत इन सभी लोगों को पात्र पाया गया है। शासन से इनका अनुमोदन होने के बाद आज इस कारागार से इनको रिहा किया जा रहा है। सभी पुरुष कैदी हैं और ये कैदी जो भी जेल में चल रहे रोजगार हैं, प्रशिक्षण हैं, सुधारमूलक प्रोग्राम हैं, उनके तहत इन लोगों ने जो भी प्रशिक्षण अर्जित किया है उसके तहत ये बाहर अपना जीविका का संचालन करेंगे, परिवार के साथ जीवन यापन करेंगे, समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे। इनको हमने ये संदेश दिया है कि आप
सभी लोग यहाँ से रिहा होकर के समाज के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलें, दोबारा कोई ऐसा अपराध ना करें कि जेल में पुनः आना पड़े, और साथ ही साथ इन सब के पुनर्वास के लिए हमने सामाजिक न्याय विभाग से भी पत्राचार किया है, तो इनको जो भी वहाँ से शासन सुविधाएं या योजनाओं का लाभ दिलाना चाहेगी वो प्रदान करेगी। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, भारत वासियों को, बिंद वासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के समस्त माता बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, युवा बेरोजगारों को, आउटसोर्स कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को, अति शिक्षकों को, किसान भाइयों को, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे जो संवैधानिक मूल्य एक स्वतंत्र गणराज्य के हर नागरिक को मिले थे वो मिले, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं आप सबको मिले, इसके लिए हम सबको प्रयास करने की ज़रूरत। हमारा राष्ट्र, हमारा गांव, हमारा है और इसको सुंदर बनाने के लिए सब प्रयास करें। आपका नई गढ़ी जनपद और नई गढ़ी का हर गांव एक स्वर्णिम और आदर्श गांव बने, इसके लिए हम सब मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें। हमारे मौलिक अधिकार हमें मिले और हमारे समाज के अंतिम पक्ति पर बैठे व्यक्ति को मिले, उसके लिए भी हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति, जय हिंद। खबर छतरपुर मध्य प्रदेश से है, जहां बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दी है। आपको बता दें, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव ने शिकायत की थी, जहां नागपुर पुलिस ने कहा बाबा ने किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैलाया है। बता दें कि पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बाबा को पूरी तरह से बेगुनाह बताया है। देखिए, सबसे पहले पुलिस किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं है। पुलिस वीडियोस की बहुत बारीक तरीके से उसकी हम स्टडी कर रहे थे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई थी और जो जो बॉर्डर लाइन इश्यूज थे उसको बहुत बारीक तरीके से देखा गया है और देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन में बहुत सारे वक्तव्य पॉइंट्स लिखे थे, उसमें से बहुत सारे कुछ उसमें ऐसे हैं जो नागपुर के दरमियान के इंसिडेंट्स नहीं दिख रहे हैं। हमने नागपुर के इंसिडेंट्स, नागपुर के एक्टिविटीज़ को बहुत बारीक माइन्यूट तरीके से देखा है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं है। पुलिस पे दबाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और जहाँ तक रही बात हमारा जो निर्णय है, उसके विरुद्ध डेफिनेटली उनके पास रेमेडीज़ हैं, इंक्लूडिंग गोइंग टू द कोर्ट। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। काफ़ी दिन लगे पुलिस को निष्कर्ष में पहुँचने, फुटेजेस बहुत ज़्यादा थे, उनकी जांच करना, बारीकी से जांच करना, इसलिए समय लगा। जी देखिए, जो दिव्य दरबार के ही जो 7 और 8 के थे, वो जैसा मैंने बताया 6 घंटे के वीडियोस थे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने, उसमें कुछ कुछ जो बॉर्डर लाइन इशूज थे उसको हम लोग बहुत ही श्योर तरीके से कॉन्फिडेंस और एक प्रॉपर निष्कर्ष पे पहुँचे, इसके लिए टाइम ज़रूर लगा है। लेकिन किसी भी प्रकार का इसमें कोई ऑफेंस मेकआउट होता है ऐसी बात नहीं है। देखिए, नागपुर शहर पुलिस किसी को क्लीन चिट या वो का विषय नहीं है। हमारे पास बहुत लिमिटेड मैंडेट था कि जो नागपुर के दरमियान में कोई भी उनकी एक्ट या ओमिशन या अटरेशन इस एक्ट्स के अंतर्गत गुनाह होता है क्या, ये देखने की बात थी। और इस इशू पे डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं निष्पन्न हो रहा है। सभी देश एवं प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने क्षेत्र के लोगों के सुखद जीवन की कामना करता हूं। साथ में लोगों से यह अपील करता हूं कि क्षेत्र में भाईचारा, मधुरता एवं गणतंत्र दिवस का जो उद्देश्य है कि लोगों को संगठित रहना, एक साथ रहना, आपसी भाईचारा बना रहना और एक नई ऊर्जा के संचार के साथ हम सब गणतंत्र दिवस मनाएं और अपने देश के हित में निर्णय लें, अपने देश के हित के बारे में सोचें
और अपने क्षेत्र के विकास के बारे में सोचें एवं सभी पंचायत राज प्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत के अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, पूरे जिले के, पूरे प्रदेश के पंचायत स्तर के प्रतिनिधि, पंच भाई को मैं अपने जनाधिकार पंचायत राज संगठन की तरफ से गणतंत्र दिवस की एवं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूं। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। शाहरुख खान की मूवी पठान के विरोध के बाद इंदौर में धर्म विशेष के खिलाफ बुधवार को जमकर नारेबाजी हुई। इसके बाद उपजे सांप्रदायिक विवाद में छतरीपुरा पुलिस ने चार युवकों की पहचान कर उन्हें गुरुवार को हिरासत में ले लिया है। वहीं बड़वाली चौकी पर भीड़ इकट्ठा कर नारेबाजी करने वालों के खिलाफ सदर बाजार पुलिस ने केस दर्ज किया है। इधर चंदन नगर में भी एक हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता से फिल्म के दौरान नारेबाजी करने पर मुस्लिम युवकों ने मारपीट की, जिसमें पुलिस ने एक मुस्लिम युवक और उसके साथियों को आरोपी बनाया। छतरीपुरा पुलिस ने मुफ्ती सैयद साबिर की शिकायत पर धार्मिक नारेबाजी करने के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कमिश्नर हरि नारायण चारी से भी पुलिस समुदाय के लोग मिलने पहुंचे थे। इस मामले में छतरीपुरा पुलिस ने रात में चार लोगों की पहचान करते हुए सन्नी पुत्र विनोद मेवाड़े, भारत पुत्र किशन सौदे, राकेश पुत्र कन्हैया लाल ओटकर और विकास ओटकर को हिरासत में लिया है। सभी पर अन्य और धाराओं में भी कार्यवाही की जा रही है। कस्तूर सिनेमा के बाहर हुई नारेबाजी में वर्ग विशेष के लोगों ने चंदन नगर थाने का घेराव किया था। यह बात सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बड़वाली चौकी, छतरीपुरा, खजराना और शहर के अन्य मुस्लिम बहुल इलाकों में भी भीड़ सड़क पर उतर कर नारेबाजी करने लगी थी। बड़वाली चौकी पर युवकों ने धर्म को लेकर जमकर नारे लगाए। यहां सदर बाजार थाने के स्टाफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद दहशत के चलते दुकानदारों ने दुकानें बंद कर ली थी। रात में सिपाही की शिकायत पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों पर इकट्ठा होकर दूसरे समुदाय के प्रति शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावना फैलाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक प्रदीप पटेल, विधायक मऊगंज, अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां ओबीसी महासभा कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजेश कुशवाहा बबलू ने करैया मंडी के गेट में झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ पर रीवा एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस दौरान ओबीसी महासभा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष राजेश कुशवाहा बबलू के नेतृत्व में किया गया। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुमन साकेत, जनपद अध्यक्ष प्रदीप दुबे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी वेदमणि त्रिपाठी, लेखा अधिकारी जनपद रायपुर करचुलियान। संयुक्त मोर्चा के द्वारा करहिया मंडी से ट्रैक्टर रैली निकालकर टीआरएस कॉलेज चौराहा पहुंचे, जहां से कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा के संयोजक अधिवक्ता शिव सिंह ने कहा कि एमएफपी की गारंटी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टेनी की गिरफ्तारी, बर्खास्तगी, किसानों को मुआवजा, किसान ऋण माफी के साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर किसान संयुक्त मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध किया है और ज्ञापन सौंपा। संयुक्त मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि निकम्मी सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि सुअर बालकों के चल रहे 113 दिन के आंदोलन में नहीं पहुंचा। आइए दिखाते हैं रेलवे से लेकर हवाई पट्टी तक के सभी मुद्दों को लेकर रैली निकाली और क्या चेतावनी दी है। दिया उन्होंने कहा हम आपको ट्रैक्टर प्रवेश नहीं होने देंगे। ऐसा बदतमीजी से बात इस एसडीएम ने किया। हमने कहा क्या करेंगे, 2021 का इतिहास पूछ लीजिए,
जब 500 ट्रैक्टर लेकर के हम लोग यहाँ से गए थे और पूरी तरह से रैली सफल हुई थी, कहीं कोई घटना नहीं हुई। बोले हमने कहा हमें आपके अनुमति की जरूरत नहीं है, हमने केवल सूचना दिया था। नहीं नहीं साथ में निकलेगा, मैं जा रहा हूँ अपने घर में, मैं चिट्ठी लिख करके जाऊंगा। डीएम साहब को धमकी दिया है और मैं इस आंदोलन में शहीद भी हो जाऊंगा। आप लोग कोई ये राष्ट्रीय काल है संयुक्त किसान मोर्चे का, एमएसपी की गारंटी का मामला है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी बर्खास्तगी, किसानों को मुआवजा, किसान ऋण माफी और तमाम जो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे हैं। सुअर पशुपालकों का 113 दिन से रीवा के अंदर आंदोलन चल रहा है, ये निकम्मी सरकार का एक भी प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया। ये तमाम मुद्दे हैं, रेलवे का मुद्दा है, हवाई पट्टी का मुद्दा है और जो सबसे बड़ी देश में समस्या है वो है आवारा पशुओं की। इन तमाम मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय काल है। हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जो है आज सौंपने जा रहे हैं। हम लोगों ने चेतावनी दिया है, जो मोर्चे ने आह्वान किया है कि यदि सरकार जो सरकार के जो 6 मुद्दे थे जो जिन्होंने हमसे वादा किया था पूरा करने के लिए बिल वापसी के समय, यदि वो सरकार पूरा नहीं करती है तो फिर से देश में बड़ा आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। जनपद पंचायत जवा की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जनपद अध्यक्ष रन्नू बीडी पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मिश्रा। माँ सरस्वती मंदिर भोसाला व माँ वाग देवी की मुक्ति व उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित महाराजा भोज स्मृति व संतोषव समिति के द्वारा आयोजित भोज महोत्सव की शुरुआत गुरुवार सुबह से हो गई है। यहां पर सुबह करीब 7 बजे यज्ञ की शुरुआत हुई, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में आहूति देने के लिए पहुंचे रहे हैं। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही ठंड हवाएं चल रही हैं। इसके बावजूद लोगों में दर्शन व पूजन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। भोसाला के गर्भगृह का फूलों से सजाया गया तथा यज्ञ मंडप को केले के पत्तों व गोबर से लीप कर पूजन शुरू किया गया। वसंत पंचमी पर सूर्योदय के साथ ही माँ वाग देवी का पूजन का दौर शुरू हो गया है, जो दिन भर इसी तरह से जारी रहेगा। इधर आयोजन को लेकर पिछले 1 माह से तैयारियों में जुटी समिति के पदाधिकारियों ने पूरे शहर को भगवा पताकाओं से सजाया है। साथ ही मुख्य गेट सहित पूरे परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी ड्यूटी दे रहे हैं। वसंत पंचमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। इस मर्तबा यात्रा में युवा भगवा झंडों के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे भी लेकर चल रहे हैं। डीजे सहित ढोल की थाप पर युवा माँ वाग देवी सहित जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे हैं। यात्रा में रथनुमा बग्गी पर माँ वाग देवी का तेल चिक भी रखा हुआ है। इस वर्ष बसंत पंचमी उत्सव कुछ करते हुए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी जनता के लिए सर्व समाजों द्वारा 15 से अधिक निशुल्क फूड स्टॉल लगाई गई है, जहां पर चाय पानी और नाश्ते की सुविधा उपलब्ध है। वहीं धर्म सभा के बाद दोपहर करीब 1:30 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। साथ ही सुबह से लेकर शाम तक वेदारम संस्कार की शुरुआत हो गई है। पहले दिन यज्ञ हवन पूर्णाहुति एवं आरती के साथ शाम 5:50 पर प्रांगण में होगा। दूसरे दिन 27 जनवरी को दोपहर 3 बजे मातृ शक्ति सम्मेलन का आयोजन रखा गया है, जिसमें पूजन आरती एवं हवन मातृ शक्ति के द्वारा भोजशाला में होगा। इसमें मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में संत श्रिया भारती जी शामिल होगी। इसी दिन रात्रि में 8 बजे श्री बाबा खाटू श्याम जी का भव्य दरबार एवं भजन संध्या का आयोजन भी होगा। जनपद पंचायत जवा की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक जनपद अध्यक्ष रन्नू बीडी पांडे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसके मिश्रा। अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।